देखिए चार से विभाज्य संख्याएं, चार से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? हमने संख्या लिखी ये संख्याएं हैं हमारे पास। पहली संख्या है 8,30,524, दूसरी संख्या है 4,93,928, 1,802। अब हम कैसे पता करें कि यह संख्या चार से विभाजित होगी? तो चार से विभाज्य संख्याओं के लिए नियम है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या, ये है यहाँ पर इकाई और ये दहाई, यहाँ पर ये है इकाई दहाई, इकाई दहाई, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से पूरी पूरी विभाजित होगी, वह संख्या चार से विभाजित होगी। ध्यान से समझिए, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक एवं दहाई का अंक, दो अंक लेने हैं हमें, इकाई का और दहाई का, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से पूरी पूरी विभाजित होगी, वह संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। देखिए 24 चार से विभाजित कर देंगे, चार छम पूरी पूरी विभाजित हो रही है, ये 28, चार सत्ते 28। दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या में इकाई एवं दहाई के स्थान पर जीरो हो, यदि किसी संख्या में इकाई एवं दहाई के स्थान पर जीरो हो, तब वह पूरी की पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। अगला देखिए, पांच से विभाजित संख्या, पांच से विभाज्य संख्याएं, हमने संख्या लिखी 1। इकाई का अंक देखो, केवल आपको इस पर ध्यान देना है, केवल इकाई का, यहां पर है 0, यहां पर है 5 और यहां पर है 9। पांच से विभाज्य संख्याओं के लिए नियम यह है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो, वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या ये संख्या 889 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 9 है। यदि इस 9 के स्थान पर हम 0 कर दें या 5 कर दें, तब यह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम बनता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, तब वह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी।